आज हम लोग बनाएंगे पिज़्ज़ा पुष्का, जिसका नाम सुनते ही आपको मुंह में पानी आ गया ना। तो आज हम लोग बनाएंगे, पानी पूरी हमने बहुत खाई है, लेकिन आज पिज़्ज़ा पुष्का बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखना, ये बच्चे को और हम कोई पार्टी है तो बना सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें है। यहाँ पे मैंने ऑनियन लिया है दो काट के, यहाँ बेबी कॉर्न ले लिया है, एक टमाटर लिया है, एक कैप्सिकम लिया है, थोड़े मकई के दाने मैंने बॉईल करके लिया है, और यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम लिया है। ये सब मैंने चॉप कर दिया है बारीक वाला। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑनियन डाल लूँगी और इसका थोड़ा भुनूंगी, थोड़ा हम पकाएंगे इसको। उसके बाद हम लोग सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये आप कच्चा भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे पकाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम डाल दिए, ग्रीन वाले, येलो वाले कैप्सिकम डाल देंगे। और उसके बाद इसको वापस हम घुमाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग टमाटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर लूँगी इसके साथ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉर्न है हमारा जो, वो मैंने बॉईल करके रख दिया था, वो ले लेंगे, और बेबी कॉर्न डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको बेबी कॉर्न नहीं लेना है तो नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो आपके पास हो तो ज़रूर से ऐड करना है इसको। अभी इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसमें मैं थोड़ा नमक ऐड कर लूँगी, तो यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे, ये टेस्ट के हिसाब से आपको लेना है। और इसको हम लोग हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे, हमको इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, जैसे हम पिज़्ज़ा में रखते हैं वैसे ही हमको रखना है। तो ये पक गया है, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा गार्लिक का पाउडर है वो डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और एकदम फ्लेवर भी आएगी, तो इसको ज़रूर से आप ऐड करना अगर हो तो। उसके बाद इसको हम बाउल में निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैं बाउल में निकाल दूँगी, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लगता है, सारे वेजिटेबल्स मैंने लिया है, तो वैसे ही आप लोगों को लेना है। अभी ये ठंडा हो गया है हमारा, तो इसके अंदर हम लोग मसाला सारा ऐड करेंगे। ये मैंने पिज़्ज़ा सिजलिंग लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है इसके अंदर, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सीजन चटनी ली है 2 टेबलस्पून, और उसके बाद थोड़ा टमाटर केचप हम लोग ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम लोग मोजरेला चीज़ डालेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो ये आप ज़रूर से ऐड करना। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से सारा मसाला एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा मिक्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा लुक भी आता है और खाने में भी टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मैंने पुचका लिया है जो बाज़ार से मैंने लेके आई हूँ, और उसको हॉल बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग जो स्टफिंग बनाए हैं वो ऐड करेंगे। ऐसे ही हम सारे ऐड करके रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे में लिया है क्योंकि मैं इसको ओवन में रखने वाली हूँ, अगर आपको कढ़ाई में रखना है तो कढ़ाई में भी रख सकते हो, जैसे हम लोग केक को रखते हैं वैसे ही रख सकते हो आप। ये मैंने रेडी कर दिया, इसमें भी मैं मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी ऊपर से, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, तो ये ऊपर से भी हमको डालना है। और इसके बाद हम लोग चीज़ भी डालेंगे, ये ज़रूर से स्टेप करना ताकि आपको लगेगा कि नहीं हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ये मैंने सारा मोज़रेला चीज़ डाल दिया है, अभी हम सिंपल वाला जो चीज़ आता है वो डाल देंगे, तो वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी आएगा। अभी इसको मैं ओवन में रख देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ओवन चालू कर दिया है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लुक आ रहा है। और इसको मैंने 150 डिग्री पे हम लोगों ने 5 मिनट के लिए रखा है, और ये रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ। एकदम बढ़िया लग रहा है, खाने में भी टेस्टी लगेगा आपको। पानी पूरी हम बहुत खा रहे हैं, लेकिन पिज़्ज़ा पुचका बहुत अच्छा लगता है ये। अबे इसके ऊपर हम लोग पिज़्ज़ा सिजलर है वो डाल देंगे, ताकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद यहाँ पे चीज़ ऊपर से डाल देंगे, जैसे हम पिज़्ज़ा में डालते हैं वैसे ही इसके अंदर डालेंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको। उसके बाद वापस हम लोग पिज़्ज़ा सिजलर डाल देंगे, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो ये मैं डाल रही हूँ, यू लुक वाइज यम्मी और टेस्टी। कोई भी पार्टी होती है और अगर बच्चे को भी पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है, पिज़्ज़ा
पिज़्ज़ा हमारा मैदा का होता है, अगर आप गेहूं के आटे की अगर पूरी बनाते हो और ऐसे ही सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। और बहुत ही अच्छा ये जो वेजिटेबल्स के साथ है, अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो हम इसको ऐसे आसानी से खिला सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल पे नए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि पूरा वीडियो मेरा आते रहेगा।